नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यहां इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जिसमें काफी सारे पदों की संख्या है। तो इसमें पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं कि ये वैकेंसी कहां है, पदों की संख्या कितनी है और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ बात कर रहे हैं नई वैकेंसी की। नई वैकेंसी में पदों की संख्या की बात करें तो 40,506 पद हैं टीचर्स के, इन पर भर्ती होनी है। और ये जो टीचर्स के पद हैं ये हैं प्रारंभिक स्कूलों में। तो पूरा जानकारी एक बार आपको दे देता हूं कि इसके संबंधित क्या अभी नया अपडेट आया है। तो 40,506 टीचर्स भर्ती होने जा रही है, इसके आवेदन मैं आपको बता रहा हूं कब भरने जा रहे हैं और प्रारंभिक स्कूलों में इनकी नियुक्ति होनी है। मामला जुड़ा हुआ है प्रधान शिक्षक भर्ती 2022 से। आप सबको मालूम है कि इसके आवेदन हो चुके थे 20 मई तक, लेकिन हुआ क्या कि इसमें सिलेबस, परीक्षा का प्रोसेस, काफी सारे मैटर्स को लेकर के मामला उलझ गया था और उससे आगे बात नहीं बन पाई थी। तो अब इस 40,506 शिक्षक भर्ती के लिए दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे, जिनकी घोषणा अभी इसी हफ्ते की जाएगी। यानी कि इसके जो आवेदन है वो दोबारा कब से खुल रहे हैं इसके बारे में जानकारी अभी दे दी जाएगी। दूसरा इसमें अपडेट ये है कि इसका जो सिलेबस है वो पहले काफी टफ था, उस सिलेबस का भी सरलीकरण किया गया है। तो प्रधान शिक्षक भर्ती 2022-23 की हम बात करें, इसके प्रधान शिक्षक भर्ती 2022-23 के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में चेंज किया गया है और सिलेबस का सरलीकरण किया गया है। तो उसके लिए वीडियो डिटेल से मैं एक बार बना लूंगा। इसकी जो एग्जाम होगी वो बीपीएससी करवाएगी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से करवाया जाएगा और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसकी डेट को एक्सटेंड करते हुए नई डेट्स के लिए इसी वीक नई तिथि की घोषणा करेगा कि इस तारीख से इसके आवेदन दोबारा से भरे जाएंगे। अब इनमें फायदा किनको होगा? हाल ही में बिहार सरकार ने एक नया फैसला भी किया है, तो इसमें दोबारा आवेदन खोले जाएंगे तो काफी संख्या में, लाखों की संख्या में मेरी बहनों को फायदा होने वाला है। बिहार सरकार ने एक नया नियम बनाया है अभी जस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वो सभी महिलाएं जिनकी शादी अदर स्टेट में हुई है, जब वो क्लेम पेश करती थी भर्ती के लिए तो उनका दावा इसलिए खारिज कर दिया जाता था क्योंकि वो अदर स्टेट में ब्याह दी गई हैं, उनकी शादी अदर स्टेट में हुई है। तो ऐसे में जब वो अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगा दी थी तो वो उनके हस्बैंड वाला लग जाता था। अब बिहार सरकार ने चेंज किया है कि अब वो महिलाएं जिनकी शादी किसी दूसरे स्टेट में हुई है वो अपने पिता के रेजिडेंस का सर्टिफिकेट लगवा सकती हैं, उसके आधार पर अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकती हैं और बिहार राज्य में निकलने वाली भर्तियों में शामिल हो सकती हैं। तो 40,506 प्राइमरी टीचर भर्ती 2022-23 है, प्रधान शिक्षक भर्ती 2022-23 बिहार में, इन बहनों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये तीन नए अपडेट थे। एक तो इसमें भर्ती के लिए दोबारा से आवेदन होंगे, जिन्होंने आवेदन कर दिया उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उन बहनों को फायदा मिलेगा जो अदर स्टेट में ब्याह दी गई हैं, उनको अपने पिता के रेजिडेंस के आधार पर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तीसरा फायदा, इसका सिलेबस सरल कर दिया गया है। तो तीनों ही चीजें मैंने आपको अपडेट कर दी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।